नमस्ते इंडिया, आप लोगों का कश्मीर डायरी में स्वागत है। आज मेरा कश्मीर वैली में मेरा 19वां दिन है और मैं अभी किरण वैली में हूँ। किरण वैली हमारा कश्मीर का बहुत ही खूबसूरत वैली है और सामने में जो दरिया दिखाई दे रही है ये हमारी किशनगंगा नदी है और जो सामने में जो कुछ घर दिखाई दे रहे हैं ये हमारा आज़ाद कश्मीर का नीलम वैली का एक छोटा सा गाँव है और इस नदी को हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग नीलम दरिया कहते हैं और हम लोग किशनगंगा कहते हैं। देखिए सामने में हाईवे भी गुजरती है उनका और यह हाईवे सीधे शारदा की ओर जाती है और इस ओर हमारी मुजफ्फराबाद के लिए जाती है, इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए जाती है और हम लोग दरिया के सामने किरण वैली में हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। देखिए हमारा ये गैस रेडी हो चुकी है और हम कुछ बनाने वाले हैं और जिसमें हमारा ये टमाटर, आलू और मटर है, ये हमारी तेल है। बहुत एडवेंचर पिकनिक मैं बना रहा हूँ आज किरण वैली में और ये हमारा बर्तन, तो हम इसे चाकू से काटेंगे और कुछ डिश बनाएंगे जो आपको बनाते हुए और दिखलाएंगे, साथ में खाएंगे कि किस प्रकार से हमारी किरण वैली में हम लोग पिकनिक मनाए और कैसा हम लोग खाना खाए। वैसे तो मैं इस एरिया में भी अकेला हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान के एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, इसीलिए इस ओर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन हमारे किरण वैली में इसका डेवलपमेंट हुए लगभग 2 से 3 साल हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टूरिस्टों का आना जाना कम है। वैसे हमारा मिर्चा, प्याज, आलू, टमाटर कट चुकी है और अभी हम लोग गैस को ऑन करते हैं और हमारी गैस ऑन हो चुकी है और जैसे ऑन करते हैं वैसे हमारी ये बर्तन गर्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सरसों का तेल डालेंगे हमने सरसों के तेल डाल दिए हैं। वैसे तो हमारी मसाला तैयार हो चुकी है और अभी हम लोग इसमें आलू और जो मटर है हमारी हम लोग उसको डाल देंगे। देखिए मैं कितना बिहार क्षेत्र पे हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी 1990 आसपास में, इस इलाका में भी बहुत सारे लोग इस गांव को छोड़ के हमारे पाकिस्तान की ओर चले गए, इंडिया की ओर चले गए थे, वे तो वापस आ गए लेकिन 1990 में जो पाकिस्तान की ओर चले गए थे वे हमेशा हमेशा के लिए आ नहीं पाए। जिस प्रकार से हमारा श्रीनगर के बहुत सारे कश्मीरी पंडित पलायन करके जम्मू के शरणार्थी कैंप में ठहरे हुए हैं, उसी प्रकार हमारे किरण वैली के बहुत सारे भाई बंधु मुजफ्फराबाद की ओर चले गए और वहाँ पे शरणार्थी कैंप में ठहरे हुए हैं। तो देखिए आप इंडिया के किसी छोर से हैं तो आप किरण वैली आइए और इसमें डेवलपमेंट का भागीदारी बनिए, क्योंकि हमारा जो वादी नीलम वैली है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, यहाँ पे बहुत बड़ी सिटी बनी हुई है, साथ में सामने में जो गांव दिखाई दे रही है ये छोटी सी हमारी गांव है और हमारा तो ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है हमारे गांव की ओर। टूरिज़्म का द्वार जो 2 साल पहले ही खुली हुई है जिसके कारण हम थोड़ी सी पिछड़े हैं हमारे वादी नीलम से। वैसे तो मेरा किरण वैली में 3रा दिन है और बहुत मैं इंजॉय कर रहा हूँ, अकेले यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, कोई ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, बहुत सारे यहाँ पे कश्मीरी लोग आते हैं। वैसे तो हमारे इंडिया के क्षेत्र से अन्य अन्य राज्यों से यहाँ पे बहुत कम आते हैं अभी। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए मैं किस प्रकार से एडवेंचर पिकनिक मना रहा हूँ अकेले, तो आप भी यहाँ पे आके एडवेंचर पिकनिक मना सकते हैं, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, सब तो स्टे कर सकते हैं। बहुत सा यहाँ पे साइट्स है देखने के लिए, नागा पर्वत सामने में दिखाई देती है, जब पहाड़ी के ऊपर चढ़िएगा तो आपको पाकिस्तान में जो नागा पर्वत है वो दिखाई देगी, साथ में जो हमारा K2 है माउंटेन वो भी दिखाई देती है हमें।
हमारे किरण वैली के पहाड़ों से, छोटी सी हमारी किरण वैली की गांव है, बहुत ही खूबसूरत है, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, धीरे धीरे हमारी डेवलप हो रही है। यहाँ के लोग बहुत नर्म स्वभाव के हैं, मीठे वचन बोलते हैं, साथ में मददगार है। वे आपसे पूछेंगे, हर कोई कैसे हो, कहाँ से हो, कैसा लग रहा है आपको कश्मीर, ऐसे पूछते हैं, ऐसे बात करते हैं। तो आप आइए बेहिचक किरण वैली आइए। आपको सबसे पहले कुपवाड़ा आना पड़ेगा, कुपवाड़ा से आपको थोड़ा सा कैरलपोरा करके एक जगह है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ से परमिशन लिया जाता है और आप चेक पॉइंट होते हुए, आर्मी चेक पॉइंट होते हुए आप किरण वैली में प्रवेश कर सकते हैं। और सामने में तो हमारी दरिया दिखाई दे रही है, ये किशनगंगा नदी है, और सामने में पाकिस्तान का हमारा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ये शारदा और मुजफ्फराबाद को जोड़ती है और आगे सीधे चली जाती है हमारी इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की कैपिटल है। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर है हमारा इस्लामाबाद। वैसे तो हमारा जो डिश है वो तैयार हो रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और बहुत सारे यहाँ पे अभी हमारे कश्मीरी भाई लोग आए थे, वे लोग नीचे में कैंपिंग किए हुए हैं, लगभग 20 पर्सन हैं। बहुत सारे यहाँ पे कश्मीरी आते हैं साथ में, और दो से तीन ग्रुप आए थे मेरे से मिलने के लिए, लेकिन मुझे कभी एक सेकेंड के लिए भी कश्मीर वैली में मुझे डर नहीं लगी है। देखिए मैं कितना बीहड़ क्षेत्र पे हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी 1990 आसपास में इस इलाका में भी। वैसे तो हमारे डिश लगभग तैयार हो चुकी है, थोड़ी सी इसको हम लोग चलाते हैं। ये गर्म हो गई, बहुत टेस्टी बनी है, सारी मात्रा सही है। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग मुझे पिकनिक बनाते हुए देखे होंगे, इस ओर से मैं बैठा हुआ हूँ और डिश बनाने में मशगूल हूँ, तो मैं उनको देख नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी लोग मुझे देख के बोल रहे होंगे कि ये बंदा क्या कर रहा होगा। तो बोलिए आप लोग कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं, कश्मीर के वाइल्ड पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ पे टूरिस्ट आते बहुत कम हैं, उन क्षेत्रों में घूमना पसंद करते हैं या नहीं। अगर नहीं पसंद करते हैं, आपको डर लगता है, तो मेरा वीडियो को देखिए, मेरे सीरीज को देखिए, आपके मन में जो डर है, डर की भाव है कश्मीर को लेके, कश्मीर के लोगों को लेके, वो भाव बदल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वाइल्ड कैंपिंग किशनगंगा नदी के किनारे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के जस्ट बगल में वादी नीलम के बगल में किरण वैली का यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पूरी सीरीज को देखिए, तभी आप हमारे कश्मीर को जान पाइएगा, कश्मीरियत को जान पाइएगा और आप कश्मीर को एक्सप्लोर कर पाइएगा, वो भी पूरी तरह से मेरी तरह। चलिए फिर से आप अगली जगह अगला ब्लॉग में मिलते हैं, बाय।